पुतिन से मुलाकात के बाद लुकाशेंको ने तंज कस दिया है। पश्चिमी देश हमें दुनिया का सबसे जहरीला मानते हैं, पश्चिमी देश मुझे और पुतिन को सबसे खतरनाक मानते हैं। लुकाशेंको का सबसे बड़ा बयान जो ये बताता है कि वो किस तरह से रूस की हर बात को स्वीकार करता है, हर बात का समर्थन करता है। पश्चिमी देश हमें जहरीला मानते हैं, मुझे और पुतिन को सबसे खतरनाक मानते हैं। चलिए अब बिग बॉल के जरिए आपको बताते हैं कि ये जो दोस्ती है वो कितनी गहरी है और अब तक कितनी बार मुलाकातें हुई पुतिन और लुकाशेंको की। आई बिग बॉल के जरिए जल्दी से आपको बताते हैं कि कितनी बार मुलाकात हुई और मुलाकात के मायने क्या हैं। पहली मुलाकात 19 दिसंबर 2022, ये तो अभी हाल ही की मुलाकात है, बेलारूस में लुकाशेंको से पुतिन मिले हैं और 11 घंटे से ज़्यादा का वक्त उन्होंने बिताया। महायुद्ध के बीच पहली बार मिन्स्क में मीटिंग की है। आपको बताएंगे कितनी बार पहले भी मुलाकात हुई है, लेकिन पहले जानिए कि इस मुलाकात के मायने क्या हैं। यूक्रेन में जारी जंग के बीच लुकाशेंको से मिले हैं तो ये एक तरह से भरोसा बना रखने की कोशिश है। इससे पहले 12 बार पुतिन से मिलने लुकाशेंको मॉस्को आए, इस बार पुतिन बेलारूस गए। अब ये देखिए 12 बार, 22 फरवरी 2021, 22 अप्रैल 2021, इसके अलावा 28 मई 2021, 13 जुलाई 2021। इसके बाद हम आपको बता दें 12 अप्रैल 2022, 11 मार्च 2022, 18 फरवरी 2022, 29 दिसंबर 2021, 2022 में 16 मई 2022, 23 मई 2022, 25 जून 2022 और 26 सितंबर 2022, उसके बाद 19 दिसंबर 2022। इन नेताओं की मुलाकात बहुत कुछ कहती है, वो इसीलिए भी क्योंकि मायने खास हैं और कैसे रूस और बेलारूस मिलकर एक नई स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे हैं इस पर भी देखना होगा। रूस ने बेलारूस को विध्वंसक हथियारों से लैस किया है। पुतिन से मुलाकात के बाद लुकाशेंको का बयान सामने आया है तो आपसी सहमति जो बन रही है वो हथियारों के आदान प्रदान की बनी है। रूस ने बेलारूस को इस्कंदर मिसाइलें दी हैं, रूस ने बेलारूस में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया है। तो बेलारूस रूस के साथ मिलकर, रशिया के साथ मिलकर यूक्रेन के खिलाफ स्ट्रैटेजी बना रहा है। आइए ये दोस्ती कैसे यूक्रेन नाटो पर भारी पड़ेगी और क्या ये भारी पड़ेगी इस पर बिग वॉल के जरिए आपको बताते हैं। यूक्रेन नाटो पर क्या ये दोस्ती भारी पड़ेगी। यूक्रेन की 700 मील सीमा बेलारूस से जुड़ी हुई है। ये देखिए, ये बहुत गौर करने वाली बात है। बेलारूस की सीमा 3 नाटो देशों से लगी हुई है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि कहीं भारी न पड़ जाए दोस्ती। मॉस्को की तुलना में कीव बेलारूस के करीब है। इसके अलावा बेलारूस को रूस से तेल, गैस और मिलिट्री तैनाती में फायदा पहुंचा है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको 27 साल से बेलारूस के राष्ट्रपति हैं तो उनका प्रभुत्व, उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा है और पुतिन पर कितना होगा ये आप समझ सकते हैं। चुनावी धांधली के बाद पुतिन के लुकाशेंको को बचाने का दावा है तो पुतिन और लुकाशेंको की दोस्ती के मायने कड़े हैं। चुनावी धांधली के बाद, जैसे कि हमने आपको बताया ये पॉइंट, तो क्या यूक्रेन नाटो पर ये दोस्ती भारी पड़ेगी, हम सवाल ये उठा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आ रही है जो हम बता दें, फ्रंटलाइन पर यूक्रेनी सेना का एक्शन देखने को मिला है।